मंच पर पार्टी में आए हमारे नए सदस्य नहीं बन रहा जगह नहीं कई दशकों से जनजातीय वर्गों के और अनुसूचित जातियों के बीच सक्रिय रहे विधायक केदार हाजरा जी और हमारे पार्टी के बहुत पुराने नेता रहे हमारे बड़े भाई आदरणीय दुर्गा सोरेन जी के साथ कंधे से कंधे मिलाकर युवा राजनीति की नींव रखने वाले आज झारखंड आंदोलन के भूमिका में रहने वाले बड़े भाई उमाकांत रजन जी आज इन दोनों ने पार्टी पर अपनी आस्था जताई है और पार्टी पर शामिल होने का भी काम किया। कई पत्रकारों का बहुत कॉमन सवाल होगा कि चुनावी माहौल है, ऐसा है, वैसा है, आज चुनाव हो रहा है तो लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, आपको कैसा लग रहा है। झारखंड मुक्ति मोर्चा इस राज्य का पार्टी नहीं है, इस राज्य का सिपाही है। हम लोग इस राज्य के आदिवासी, मूलवासी, दलित, पिछड़ा, गरीब, गुरुआ, अल्पसंख्यक के प्रति हम लोगों की जो कमिटमेंट है, जो हम लोग इनके बीच में हम लोगों की जो इन चुनौतियों के बीच में हमारी सरकार ने एक ऐसी लंबी लकीर इस राज्य में खींची है जो हमारे विपक्ष के लोगों का उनको उनकी नींदें उड़ी हुई है। आज एन के इन प्रकारों हमें फिर से सरकार बनाने से रोकने के लिए अपनी राजनीतिक सक्रियता तो उनकी जो सो है बल्कि संवैधानिक संस्थाओं को इस तरीके से सक्रिय कर दिया है, यह भी आप लोगों के सामने है। लेकिन झारखंड के लोग ना कभी डरे हैं ना कभी झुके हैं। हम टूट सकते हैं लेकिन झुक नहीं सकते। अकेले निकले राज अलग करने को, कारवां जुड़ता गया, जुड़ता गया, जुड़ता गया। आज हमारे उन वीर शहीद और आंदोलनकारियों के बदौलत झारखंड मुक्ति मोर्चा इस राज का इतना बड़ा वृक्ष हो चुका है जिसके छांव में इस राज के 3.25 करोड़ जनता आराम, चैन और सुख की नींद सो रहा है। सबके चेहरे में मुस्कान, हर वर्ग और विशेषकर आप सबको मालूम है संविधान में आदिवासी, दलित, पिछड़ों को कई तरीके से उनको संरक्षित करने का, उनके अधिकार को संरक्षित करने के प्रावधान किए गए हैं। देश आजाद होने के बाद से आज तक आप देखिए कि आदिवासी, दलित, पिछड़ों की क्या हालत है। आज के दिन में भी
हम सब हाशिए पर हैं और किसी लंबे संघर्ष के बदौलत अगर हम कहीं पहुंचते भी हैं तो आदिवासी दलितों को किस तरीके से नीचा दिखाने का काम कुछ सामंती सोच वाले करते हैं वो किसी से छुपी नहीं है। कभी वो पर्दे के पीछे से वार करते हैं, कभी सामने आकर के वार करते हैं, कभी पीठ के पीछे वार करते हैं। हमें आज यहां तक आने के लिए, इस राज को पाने के लिए कितने लोग शहीद हो गए, कितनी महिलाएं विधवा हो गई, भारत देश की आजादी की लड़ाई से कम जहराज अलग की लड़ाई नहीं रही है। आज यहां के आदिवासी दलित पिछड़ों ने एक लंबी जंग और जो लंबी एक बड़ी कुर्बानी के बाद 40-45 सालों में इस राज का अपना वजूद बना, इस राज को अपना वजूद दिया और एक वजूद पाने के बाद 24 साल 19 साल 20 साल के बाद पूरी जद्दोजहद के बाद इस राज में आदिवासी मूलवासी की सरकार 2019 में बनी और 2019 में सरकार बनने के बाद अब चूंकि सभी सूचनाएं दुनिया में प्रसारित होती है, कोरोना जैसे राजनीतिक दल का एक नेता हूं लेकिन साथ साथ मैं इस राज्य के एक ऐसे व्यक्ति का भी खून का एक बूंद हूं जो आज आपके सामने खड़ा है, जिसने इस राज्य के लिए, इस राज्य के आदिवासी दलित पिछड़ों के लिए, यहां के जल जंगल जमीन के लिए अपना बचपन, अपना जवानी, अपना बुढ़ापा कुर्बान कर दिया और आज मुझे गर्व है कि उनकी उन जिम्मेवारियों को हमने अपने कंधों पर उठाया और आज हमारे उन शहीदों के पदचिन्हों पर हमने चलने का काम किया और ये रास्ते बहुत कठिन है, बहुत कठिन है, इस राह में चलना सबके बस की बात नहीं है। बहुत लोग कहीं छूट जाते हैं, कहीं छोड़ जाते हैं इस सफर को, लेकिन ये रास्ते पर निश्चित रूप से यही एक रास्ता है जिससे हम अपना मंजिल पहुंच पाते हैं या पहुंच सकेंगे, तो हमारा ये कारवां आगे चलता रहेगा और निश्चित रूप से हमेशा से इतिहास गवाह है कि कमजोर, गरीब, आदिवासी, दलित, पिछड़ा ही अपने हक अधिकार के लड़ाई लड़ने के लिए हमेशा सड़कों पर उतरा है। हमारे संवैधानिक संस्था, संवैधानिक अधिकारों को खत्म करने के नए नए षड्यंत्र रचे जा रहे हैं, लेकिन अभी इतना आसान नहीं है। अभी भी देश के हर एक कोने में कई ऐसे सपूत हैं जहां अपने इसी लड़ाई को जारी रखे हुए। आने वाला वक्त में निश्चित रूप से इस देश में आदिवासी दलित पिछड़ों का अधिकार और उसके संविधान की रक्षा हम सब मिलकर करेंगे। आज इन मेहमानों का, इन साथियों का मैं झारखंड मुक्ति मोर्चा में हार्दिक अभिनंदन करता हूं और आगे की लड़ाई हम सब मिलकर लड़ेंगे और आप लोगों के साथ परछाई की तरह हम लोग भी आपके साथ खड़ा रहेंगे, ये हम आपको आश्वस्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत का सपना है जो हमारे शहीद विनोद बिहारी महतो, निर्मल महतो, आज आदरणीय दिशम गुरु शिव सोरेन जी के जो सपने रहे उनको निरंतर धरातल पर उतारा जा रहा है। आज गांव गांव में पूछिए, ये मैं नहीं कहता कि मैं सारी चीजें
हमने बदल दी। इन चुनौती भरे 5 साल के कार्यकाल में पहले तो लोगों को इस बात का उम्मीद ही नहीं था कि हम 5 साल इस सरकार को चला पाए, लेकिन आज हर वो मिथ हम लोगों ने तोड़ा, राज अलग करने का भी सपना इस राजवासियों का पूरा किया और इस राज में यहाँ का मूलवासी आदिवासी इस राज के लोगों के लिए, किसी भी वर्ग के लोगों के लिए हक अधिकार उसके घर तक कैसे पहुंचे वो भी करके दिखाने का क्षमता रखता है। आज जरूरत है इस राज के आदिवासी दलित पिछड़ा अल्पसंख्यक को अपनी ताकत को एकजुट करके रखना, तभी हम अपने हक अधिकार अपने तक पा पाएंगे। और आज इसी कड़ी में हमारे दो भाई हमारे इस राजनीतिक ताकत का एक और हिस्सा बनने का, उसमें बढ़ाने का हिस्सा का काम में जुटेंगे और निश्चित रूप से आने वाला समय में जो यहाँ पूंजीपतियों का जो एक गिद्ध नजर है उस गिद्ध नजर से झारखंड वासियों को बचाने का काम किया जाएगा।